हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसी 24/7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट की फटाफट न्यूज़। जितनी भी आज की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है वो हम सबसे जल्दी फटाफट डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ है आईपीओ से रिलेटेड। तो आईपीओ की क्या पार्टी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम होता है वो कम होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी एंजल ब्रोकिंग का जो प्रीमियम है वो भी कम हो चुका है, वो इवन हो चांसेस है कि वो डिस्काउंट पे मिले। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं द आईपीओ गार्नर द बेस्ट एवर रिस्पांस अमंग इट्स पीएसयू पीयर, इट वाज सब्सक्राइब्ड ए हुपिंग 157.41 टाइम्स। तो अभी जिस आईपीओ की बात हो रही है कि जो अभी इस टाइम पे सही चल रहा है वो है मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स का। तो दोस्तों, इससे पहले के जितने भी आईपीओस थे वो भी हमने देखा था अच्छे खासे हमें प्रीमियम पे देखने को मिले हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि वो 100% के आसपास प्रीमियम के आसपास में देखने को मिले हैं। तो इसके अलावा जो अभी रिसेंटली कैम्प्स का आईपीओ आया था उसमें हमें इतने ज़्यादा लिस्टिंग रेट देखने को नहीं मिला। तो क्या अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम कम होना शुरू हो गया, क्योंकि वोलेटिलिटी आईपीओ से रिलेटेड ज़्यादा होने लगी है दलाल स्प्रेड में। बेसिक रीज़न इसका यही है क्योंकि जिस हिसाब से यूएस में भी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन और इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस के बाद क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट रिएक्ट करने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ओनली मेजागांव डॉक शिप बिल्डर इज स्टिल कमांडिंग ए प्रीमियम इन दिस केस टू द प्रीमियम हैज़ ड्रॉप टू ₹95 फ्रॉम ₹125 अर्लियर। तो पहले यहाँ पर संभावना लगाई जा चुकी थी कि इसमें हमें अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल सकता है, तो वो प्रीमियम भी ऑलरेडी कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट इज टिपिकली ड्रिवन बाई HNIs हु पुट इन बिड टू सब्सक्राइब टू ए लार्ज चंक ऑफ एन आईपीओ फार इन एक्सेस ऑफ द पोर्शन रिजर्व फॉर सच इन्वेस्टर। तो जनरली होता क्या है, जितने भी हमारे आईपीओ होते हैं जो ग्रे मार्केट में, उनकी लिस्टिंग इस हिसाब से होती है क्योंकि वो जिस हिसाब से HNIs जो हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी वहाँ पे बिडिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग होती है, क्योंकि अभी UTI AMC का आईपीओ का भी लिस्टिंग होना बाकी है। तो बहुत सारी हम ऑलरेडी देख चुके हैं केमकोन के स्पेशलिटी के केमिकल्स का जो बेसिकली जो आईपीओ था उसमें क्या हुआ था, थर्सडे के दिन हमने देखा था कैसे 20% का उसमें एक बार लोअर सर्किट लग गया था। और इवन हमने देखा था कैम्प्स की जो क्लोजिंग थी वो भी हम नीचे के लेवल पे ही होती हुई देखने को मिली थी। तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ भी आएगा, बहुत से अभी आईपीओ डिमांड में, तो देखना होगा कि क्या फर्क पड़ता है मार्केट के जो रुख के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट इज ट्रम्प्स डायग्नोसिस फ्यूल्स अनसर्टेनिटी फॉर स्किटिश US स्टॉक मार्केट। तो आप देख सकते हैं US की मार्केट में फिर से अनसर्टेनिटी आ चुकी है। आप देख सकते हैं इफ ट्रम्प्स हेल्थ डज नॉट रिकवर देन ही माइट गिव अप ऑन द कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, सेट माइकल पॉव्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टेलवेकन कैपिटल एडवाइजर्स। तो बेसिकली दोस्तों यही न्यूज़ है कि एक तो आपको पता है कि जो US के जो प्रेजिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो बेसिकली क्या है, वो एक बिजनेस मैन है, तो वो बिजनेस माइंडेड बहुत है। उन्होंने इवन कोविड में भी बिजनेसिस को फ्लोरिश ही करने के चांसेस दिए, मतलब कि बिजनेसिस को उन्होंने रोका ही नहीं। तो इसलिए लोग काफ़ी उनसे सेटबैक्स तो लगी है कि इन्होंने बिजनेस की ओर ध्यान क्यों नहीं, बिजनेस की ओर ज़्यादा ध्यान दिया कंपेरेटिवली वहाँ के लोगों से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि अगर US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अगर कुछ हो जाता है या फिर वो किसी टफ सी सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो क्या हो सकता है स्टॉक की मार्केट में। तो इसलिए वहाँ पे हमें थोड़ा सा जो स्टॉक मार्केट है US की वो गिरती हुई देखने को नज़र आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है बट श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगर मार्केट में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई तो वो भाग भी सकती है। तो और इंडिया क्या कर रही है, इंडिया की स्टॉक मार्केट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली US की स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रही है, बस यही चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, स्टॉमी GST काउंसिल्स मीट लाइकली ऑन मंडे, नॉन BJP स्टेट्स टू अपोज सेंटर्स बोरिंग ऑप्शन। तो जनरली क्या है कि कल के दिन आपको बेसिकली GST काउंसिल की मीट होती हुई देखने को मिल सकती है, वहीं नॉन BJP स्टेट्स आपको पता अभी तो कम बची हैं नॉन BJP स्टेट्स, तो वो बेसिकली सेंटर के मूव को अपोज कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा कल GST की जो आउटकम है उसमें क्या डिसीजन सामने आते हैं। ये न्यूज़ इसलिए भी मैंने कवर करी है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये भी बोला जा रहा था कि जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने IRDAI के पास जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके थ्रू गुहार लगाई थी कि जो GST है वो 18% to 5% होना चाहिए। तो देखना होगा कल की कि क्या कुछ ऐसा होता है या नहीं होता। तो इसलिए जो कुछ स्टॉक्स हैं HDFC लाइव हो गया, SBI लाइव हो गया, तो उनके ऊपर आपको कल नज़र बना के रखनी है। अगर इनके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली अच्छा भी मूव कर सकते हैं, अगर अच्छी न्यूज़ नहीं आती है तो स्ट्रेस में भी जा सकते हैं, बट कंपनीज दोनों HDFC लाइव और SBI लाइव शानदार हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे देख लेते हैं, एक्सपेक्ट डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक टू रीच प्री कोविड लेवल बाई ईयर एंड हरदीपपुरी। तो हरदीपपुरी जो आपको पता सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, जो मतलब कि जितने भी ये कानूनी जो बेसिकली उड़ान से रिलेटेड मिनिस्टर हैं वो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये प्री कोविड लेवल पे आने के लिए जो डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक है उसको हो सकता है कि दिसंबर तक का टाइम लगे, बट अभी के लिए ऐसी न्यूज़ पढ़ के आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी इनसे रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें
नहीं कूदना है। तो जो बेसिक स्टॉक्स हैं तो आपको पता है, एक तो इंडिगो है और दूसरा है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज में तो बिल्कुल भी नहीं, और इंडिगो में इसलिए अवॉइड करने को कहता हूँ, जब वॉरेन बफेट जी खुद अपना जो एविएशन सेक्टर से रिलेटेड पोर्टफोलियो था उन्होंने सारा बेच दिया जब जैसे ही कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी, तो आपको भी जितना हो सके इन शेयर्स को ऑलरेडी अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो अभी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र कहते हैं आप उनकी भी सलाह मान सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है तो आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर से रिलेटेड है। SBI पार्टनर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है HUL के साथ टू ऑफर एन इंस्टेंट पेपरलेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ अप टू ₹50,000 टू रिटेलर्स ऑफ FMCG मल्टीनेशनल फॉर देयर बिलिंग विद डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनको कोई बिलिंग के लिए प्रॉब्लम ना हो, जितने भी इनके रिटेलर्स होते हैं तो उनको 50,000 का ODA उसी टाइम प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली ओवरड्राफ्ट ODA होता है। द बैंक विल आल्सो ऑफर फाइनेंसिंग कैपेसिटी टू द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोनों के लिए ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे एक तो HUL के लिए क्या होगा कि HUL को अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर मिलेंगे जो HUL के बिजनेस को बढ़ाएंगे। वहीं SBI को क्या फ़ायदा होगा, SBI को अच्छे यहाँ पे कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो लोन जो ODA फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं उनका, उनकी तरफ से अगर अच्छे उनको कस्टमर्स मिलते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा और कंपनी SBI को भी हमें फ़ायदा होता देखने को मिल सकता है। तो रिटेलर्स विल हैव टू रजिस्टर ऑन द कंपनी शिखर ऐप, ए डिजिटल ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म। दे विल आल्सो नीड टू डाउनलोड SBI योनो एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये दोनों एप्लीकेशन के थ्रू वो अपने आप को आगे इन्हांस कर सकते हैं। बट दोस्तों जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें मैं आपको अवॉइड करता हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक में एक रुपया भी नहीं लगाना है। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बैंक जो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे आपका पैसा अगर लगाया हुआ डूब नहीं सकता है वो एकलौता बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। तो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, वोडाफोन आइडिया बॉन्ड्स रिज्यूम ट्रेडिंग एज इन्वेस्टर्स रिटर्न पोस्ट सुप्रीम कोर्ट रिलीफ। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड यही न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया में फिर से जो ट्रेडिंग से जो सुप्रीम कोर्ट की रिलीफ के बाद से जो ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़ है कि उन्होंने फिर से रिज्यूम जो इनकी बॉन्ड्स की जो बेसिकली इनके बॉन्ड्स थे वो रिज्यूम कर चुके हैं ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी मार्केट रेट्स इन दिस बॉन्ड्स रिज्यूम्ड ऑन सितंबर 9 दिस ईयर। सिंस देन अबाउट एट सच ट्रेड्स हैव टेकन प्लेस, शो हाउ डाटा कंपाइल्ड बाय GM फाइनेंशियल। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडियाज बॉन्ड्स हैव रिज्यूम ट्रेड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली ए ईयर, इंडिकेटिंग रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द टेलको। तो शानदार न्यूज़ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया पे फिर से इन्वेस्टर की यहाँ पे जो पॉजिटिव रुख है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही रिलीफ मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट की ही दिक्कत आ रही है, 10 साल का कंपनी को जो डेडलाइन मिली है, तो डेफिनेटली हो सकता है कंपनी यहाँ पे शानदार हमें अच्छे रिटर्न भी दे सकती है। द बॉन्ड्स आर यील्डिंग 27%। तो बॉन्ड जहाँ पे यील्ड कर रहा है 27%, रेट्स नॉर्मली एसोसिएटेड विद जंक बॉन्ड बट स्टिल लोअर देन 42.9% ऑन October 16 लास्ट ईयर। तो बट अभी भी ये 42.9% नीचे है जो लास्ट ईयर से, बट इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे यील्ड करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर अबाउट ए ईयर दीज बॉन्ड्स डिड नॉट फाइंड एनी टेकर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। इससे पहले सेकेंडरी मार्केट में कोई इसको लेने वाला ही नहीं था। सेकेंडरी मार्केट रेट्स इन दीज बॉन्ड्स रिज्यूम्ड ऑन सितंबर 9 दिस ईयर। तो 9 सितंबर को ये हुए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन क्लियर हुआ है। अबाउट ₹140 करोड़ ऑफ बॉन्ड्स वर कलेक्टेड ट्रेडेड एट यील्ड्स ऑफ अप टू 27%। तो ये बेसिकली 140 करोड़ के आसपास के ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रेड होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो लोकल म्यूचुअल फंड्स एंड ए मुंबई बेस्ड न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है रिपोर्टली सोल्ड दोज पेपर्स टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो जितनी भी चीज़ें HNIs को बेची जा चुकी हैं तो मार्केट सोर्सेज ऑलरेडी सेट। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी एक चल रही है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट वेस लीगल ऑप्शन आफ्टर लॉजिंग वोडाफोन टैक्स आर्बिट्रेशन केस। तो आपको पता वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली 22,000 करोड़ का एक केस जीता था। तो उसके बाद से जो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जहाँ पे फिर भी एक कुछ अपना लीगल ऑप्शन लेना चाहती है कि क्या ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं या नहीं। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कंपनी के ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर पड़ने वाला है। तो अभी आप चाहें तो इस न्यूज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट जिस हिसाब आपको पता, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में आप रहते हो, आपको हर न्यूज़ तो ऑटोमेटिकली फॉलो करनी ही चाहिए। तो उस हिसाब से न्यूज़ है, द गवर्नमेंट इज वेइंग इट्स लीगल ऑप्शन आफ्टर लॉजिंग द हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल टैक्स आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट वोडाफोन आइडिया एज इट लुक्स टू लिमिट डैमेज नॉट जस्ट इन दिस मैटर बट आल्सो इन केस ऑफ ए सेपरेट लॉसूट विद कैरिन एनर्जी goes against it. तो लास्ट मंथ एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट रूल्ड दैट द इंडियन गवर्नमेंट सीकिंग ₹22,000 crore in taking in taxes from telecom giant Vodafone using retrospective legislation was in breach of guarantee of fair and equitable treatment. तो उन्होंने basically यहाँ पे IT authorities को भी फटकार लगाई थी कि आप Vodafone Idea के साथ सही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे international court of जो arbitration court था उसने properly जो हेज में है उन्होंने नीदरलैंड में उन्होंने basically Vodafone Idea का यहाँ पे सपोर्ट ही किया था जो 22,100 crore के आसपास का केस था।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट विल डिसाइड ए चैलेंजिंग द अवार्ड बिफोर ए कोर्ट इन सिंगापुर विच वॉज द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन आफ्टर टेकिंग लीगल ओपिनियन। तो हो सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे कोई लीगल ओपिनियन ले, बट मुझे नहीं लगता कुछ उसका ऐसा कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ मैंने कवर कर दी है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर देना। और एक न्यूज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, देख सकते हैं क्रेडिबल साइंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सीन इन सितंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि सितंबर मंथ में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको पता फेस्टिव सीजन आने वाला है तो और भी अच्छी यहाँ